थ्री सीक्रेट्स ऑफ पतंजलि सक्सेस। नंबर वन, स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पतंजलि की वजह से बाबा रामदेव को जानते हो या फिर बाबा रामदेव की वजह से पतंजलि को जानते हो, तो आप में से कई सारे लोगों का आंसर यह होगा कि हम बाबा रामदेव की वजह से पतंजलि को जानते हैं। एंड हियर इज द फैक्ट, पतंजलि को स्टार्ट करने के कई साल पहले बाबा रामदेव ने अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस किया, योग और आयुर्वेद के रिलेटेड लोगों को अवेयर किया, अपने कैंप्स में, अपने शिविर में लोगों की हेल्प की, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का उपचार किया। और इसी तरीके से बाबा रामदेव अपना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाने में सक्सेसफुल हुए। और जब आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बना लेते हो, उसके बाद में आप मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो वो आसानी से बिक जाता है। नंबर टू, एक्साइटिंग ब्रांड स्टोरी। इन्होंने पहले से ही अपने ब्रांड के कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग रखा। इनके मार्केटिंग में, इनके एडवर्टाइजिंग में इन्होंने हमेशा देश को आगे बढ़ाने की बात की, स्वदेशी की बात की। अब हर आदमी जो देश में रहता है वो डेफिनेटली देश को आगे बढ़ाना चाहता है, और क्योंकि इनकी स्टोरी ऐसी थी तो लोगों ने स्वदेशी के चक्कर में इंटरनेशनल ब्रांड की जगह पतंजलि को अपनाना स्टार्ट किया। नंबर थ्री, अम्ब्रेला ब्रांडिंग। अमूल की तरह पतंजलि ने भी अपने सारे प्रोडक्ट्स एक ही ब्रांड नेम के नीचे लॉन्च किए, और इसी की वजह से इनका बहुत सारा मार्केटिंग का पैसा बचा, और यही पैसे को फिर ये कस्टमर्स को बेनिफिट देने में, ऑपरेशंस में और अपने ब्रांड को एक्सपांड करने में यूज करते हैं, और इसी की वजह से पतंजलि इतना तेजी से एक्सपांड कर पाया। बिजनेस स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करिए।